जोर का झटका है जोरों से लगा हाँ लगा। ये मुझे गाना याद आया है हेटर्स के कमेंट्स पढ़ पढ़ के। मैं इनको हेटर बोलूं या क्रंचर्स की फेक आईडी बोलूं, क्योंकि क्रंचर अपनी आईडी से आएंगे तो उनको इज्जत कट जाए, इज्जत घट जाएगी ना, तो इसीलिए ये लोग फेक आईडी से ही तो आएंगे और कैसे आएंगे। और जिस हिसाब से ये मुझे कमेंट करते हैं ना, इससे तो लगता है कि ये यही लोग हैं। इनको ऐसी बुरी लगी पड़ी है, ऐसी बुरी लगी पड़ी है, बार बार मुझे बोल रहे हैं आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो, पैसों के लिए। हाँ मैं कर रही हूँ व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए। बोलो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, जब कोई व्यूज़ के लिए और पैसों के लिए खा खा के दिखा रहा है, आप लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहा है, वहाँ मैं एक अच्छी बात बता रही हूँ तो क्या बुराई है। मेरे मुश्किल से 50 भी नहीं बढ़े होंगे, मैं बता रही हूँ मुश्किल से 50 भी नहीं बढ़े हैं, इतने पेट में दर्द हो गया है कि इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए। ये वो तुम लोग क्यों डर गए हैं, मेरे 4,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, तुम 25,000 सब्सक्राइबर लेके बैठे हो और बस इतने छोटे एक यूट्यूबर से डर गए। और हाँ मैं तो बात कर रही थी क्रंचर्स के बारे में, अभी तो हम क्रंचर्स ही कर रहे थे, पर हमने तो इन लोगों के माई बाप भूल गए, इनके माई बाप, इनके सप्लायर्स जो इतने हैरान परेशान हैं कि अगर क्रंचर्स की दुकान बंद हो जाएगी तो उनका क्या होगा, और अगर लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी तो उनके जो ये बोरे भर भर के मिट्टी कंकड़ है ये कौन खरीदेगा। तो मुझे एक है, नाम नहीं लूँगी उनका यहाँ पे क्योंकि अच्छी बात भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे बहुत लंबा चौड़ा सा ज्ञान दिया, मुझे पुरानी बातें याद दिलाई कि आपको पैसों की जब ज़रूरत थी तो आप क्ले बेचने को भी तैयार हो गई, ठीक है। तो तब मैं किसी भी चीज़ से मैंने डिनाई नहीं किया, इसी वजह से मुझे लोग बोलते हैं कि आप अपने पुराने ईटिंग वीडियोस क्यों नहीं हटा देती हो, इसीलिए नहीं हटाती हूँ क्योंकि आप लोग फिर बोलोगे कि अपने पुराने कारनामे सब मैंने डिलीट मार दिए हैं और अब मैंने ज्ञान की बातें करना स्टार्ट कर दिया, इसी वजह से मैंने उसको रखा है। तो वो बोल रही हैं कि आप पहले बेचने को भी तैयार हो गए थे और आप अब ऐसे बोल रहे हो, किसी की बद्दुआ मत लो और कर्मा आएगा लौट के, ये वो दुनिया भर का। तो मेरे को आज मेरे सर में बहुत दर्द भी हो रहा है, आप लोग देख रहे हो मेरे बाल हेयर फॉल पूरे हो रहे हैं बहुत बुरी तरह से, इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं कि मेरा टेंशन में दिमाग ख़राब है और दर्द अलग हो रहा है। तो मैंने बिना कोई जवाब दिए उनको, अगर वो मेरा वीडियो देख रही होंगी तो मैंने आपको ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं बोला गलत। यहाँ पर आप मुझे ज्ञान की बातें मत दो, हो सकता है आप उनकी सप्लायर हो तो शायद आपको कहीं ना कहीं डर बैठ गया हो, कुछ भी आप लोग के मन में है। और आप लोग खुद ही तो बोलते हो कि आप वीडियो बनाते रहो, किसी के बोलने से कुछ भी नहीं होता, इससे पहले भी बहुत सारे अवेयरनेस वीडियो आए और चले गए, लोगों को कोई रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ा, क्रंचिंग वाले क्रंचिंग करते रहे। तो फिर मेरे एक छोटे से चैनल से, मेरे एक वीडियो बनाने से क्यों इतना हड़कम मच गया है आप लोगों में, फेक आईडी से आके यहाँ कमेंट करना, तू तड़ाक वाली भाषा आप यूज़ करते हो और मुझे बोलते हो कि मैं अच्छे से बात नहीं करती हूँ, मैं गंदा बोलती हूँ, है ना। और कुछ कमेंट्स मेरे यहाँ पे पड़े थे किसी की, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, मैं बार बार कहती हूँ मैं नाम नहीं लूँगी और नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर भी उनका नाम आपके ही सपोर्टर्स हेटर्स जो भी है वो लोग आके ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ कभी भी किसी की बच्चियों के बारे में कोई बात नहीं की, मैं नहीं, मुझे नहीं आइडिया है किसी की बच्ची के बारे में, तो जिस बारे में मुझे आइडिया नहीं है मैं उस बारे में बोलती भी नहीं हूँ। और बच्चे जैसे मेरे वैसे आपके, तो बच्चों पे नो कमेंट, ठीक है। हस्बैंड पे कमेंट इसलिए कि ऐसे हस्बैंड किस काम के हैं कि जो अपनी वाइफ को, पर्टिकुलर एक के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, एक बंदा ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे क्रंचर्स को मैंने देखा है, उनके हस्बैंड, उनके माँ बाप उनको सपोर्ट कर रहे हैं बनाने के लिए, क्योंकि उनको ये बहुत ही इजी मनी लग रहा है, घर बैठे वीडियो बनाओ, चबड़ चबड़ खाओ पियो कैसे भी करो और अर्न कर लो पैसा, बढ़िया घर बैठे पैसे आ रहे हैं, घर की हालात सुधर रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, ऐसे चल रहा है।
अब फिर यहाँ पे बोलते हैं कि आप अपने व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते हो, आप अपने स्टोरीज़ क्यों नहीं डालते हो, आप क्यों नहीं करते हो, आप लोग क्या व्लॉग्स और स्टोरीज़ देखोगे? आप लोग का दिमाग तो इसमें भर गया है ना, मिट्टी में, तो क्या देखोगे आप लोग? और मेरे जो सब्सक्राइबर है वो मोस्टली क्रंचिंग पाइका वर्ल्ड से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इसी से रिलेटेड ही वीडियो बना रही हूँ। मैंने हर तरह के वीडियोस बनाए हैं, ये आप लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो देख रहे हैं। मैंने कभी भी एक अकेले क्ले पे डिपेंडेंट नहीं रही, मैंने गार्डनिंग का, फूड का, घूमने गई वहाँ का, हर शॉपिंग का, हर चीज़ का मैंने वीडियोस डाला। लेकिन मैं भूल गई थी कि जो मेरे सब्सक्राइबर है वो पाइका हैबिट से हैं, तो उन्हें इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर उनको व्लॉग के लिए ही वो मेरे पास आए होते तो व्लॉग्स देखते, लेकिन वो नहीं आए थे इसलिए, तो उनको भी इसी से रिलेटेड ही चाहिए। तो मैंने फिर इसीलिए सोचा कि मैं क्यों ना इनको, जब मैंने गलत चीज़ करके दिखाया था, तो अब मैं क्यों ना इनको एक अवेयरनेस वीडियो बनाऊं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी का चैनल बंद हो, मैं किसी का चैनल बंद भी नहीं करवाना चाहती हूँ, भले ही वो मिट्टी खाया है उसने या जो भी खाया है उसने। तो मुझे किसी ने भी अपना चैनल 25,000-26,000 में बनाया, भले उसने क्ले खा के बनाया हो, जो भी खा के बनाया हो, उसने अपनी पूरी कड़ी मेहनत से बनाया है, एक दो साल की उसकी मेहनत है, वो यहाँ पर आया है। अब भले उसकी मेहनत चाहे मिट्टी खा के बनी हो चाहे जैसे हो, तो ये तो गलती व्यूअर्स की और सब्सक्राइबर की है। तो मैं कभी भी मैं इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करती हूँ जो आप लोग लगातार बार बार बोलते हो कि चैनल बंद कराओ, रिपोर्ट कराओ। नहीं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, है ना? किसी का चैनल रिपोर्ट करके किसी के पेट पे लात मार के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए मेरी लड़ाई सिर्फ ये है कि आप अपने वीडियोस में गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, लोगों को ललचाओ मत, लोगों को आप इतना ज़्यादा टेम्प्ट करते हो कि लोगों को लगता है कि भाई ये जब 10 किलो खा रहा है तो हम 1 किलो खाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। सिंपल यही है। ASMR वीडियोस होते हैं, वो लोग सिर्फ दिखाते हैं और चले जाते हैं, वो नहीं किसी को कुछ कहते कि तुम खाओ या मत खाओ या वो करो ये करो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप उसके ऊपर क्यों नहीं बात करती, आप उसके ऊपर बात क्यों नहीं करती। जब मैं उसको जानती नहीं हूँ, मैंने उसके वीडियोस देखा नहीं है, तो मैं नहीं बात करती। मैं जिनके वीडियोस देखती हूँ मैं उस पर बात कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने पर्टिकुलरली एक के बारे में बात किया है, मैंने एक दो के बारे में और भी बोला है, नाम लिया है बकायदे उन लोगों का, पर वो लोग यहाँ पर अपना सर फोड़ने नहीं आए जितना एक क्रंचर के लोग आए हैं, पागल से हो गए, क्योंकि उनको बहुत डर लग गया कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं तो क्या होगा, मेरे सब्सक्राइबर ना टूट जाए, मेरे व्यूज़ टूट जाए। मैंने उनके सब्सक्राइबर को तोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से उनको देखो, बढ़िया से देखो और देखते रहो, और आपको मेरी बात याद आएगी कि मैंने जो बोला है वो सच बोला है। और यहाँ पर आके कहना कि मैं भी सारा खाती थी, अब मेरे को कुछ हो गया है तो मैं ऐसे बोलने लगी हूँ, तो बोलने लगी ना, भाग तो नहीं गई ना, मैं आई हूँ ना, यहीं पर तो हूँ, मैदान में ही हूँ, मैदान छोड़कर नहीं गई हूँ, है ना? जब खा के दिखाया तो उसकी अच्छाई बताई, बुराई बताई, तभी भी मैंने अच्छाई, मुझे ये लगती थी कि इसको खाने से मेरा पेट साफ़ होता है, पर वो मेरी गलत फहमी थी, वो मुझे इनडाइजेशन था, जो अभी भी मुझे मेरे साथ वही हो रहा है। मैं जैसे कुछ खाती हूँ मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ये इनडाइजेशन को मैं समझ रही थी कि मेरा पेट साफ होता है, तो मैंने भी आधा अधूरा ज्ञान दिया। और मुझे भी लोग कमेंट करते थे, हाँ 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 हमारा भी पेट साफ़ होता है, सब ने मुझे ऐसा कमेंट किया था। तो वही चीज़ें मैं याद करती हूँ कि हम कुछ बात किसी को बोल देते हैं और कोई हमको अच्छे से फॉलो करता है तो वो हमारी इस बात पे बड़ा ध्यान लगाता है, वो लोग उसको देखते हैं, वो लोग उसको फॉलो करते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं हाँ चलो पेट साफ़ हो रहा है तो चलो हम भी खाएंगे ऐसा। और फिर बोलना कि इसके इफ़ेक्ट्स, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए मैं हर पल टेस्ट करवाती रहूँ, मैं हर पल अनार जूस पीऊँ, चुकंदर जूस पीऊँ, ये करूँ वो करूँ, तो
मैं नहीं, मैं इस बात को नहीं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि जब तक आप कुछ हार्मफुल चीज़ें खा रहे हो, क्ले हो या कोई भी चीज़ हो, आप अच्छी फालतू चीज़ें खा रहे हो और उसके साथ आप कितनी भी अच्छी चीज़ें खा लोगे, कभी भी वो असर नहीं करेगी आपको। अभी मेरे को अभी भी होती है क्रेविंग, पर मैंने ड्राई फ्रूट्स रखा है। जैसे मैंने बताया ना, मुझे खाना खाने के बाद बहुत बुरी तरह की क्रेविंग होती थी, आज ही मुझे खाना खाने के बाद वही क्रेविंग होती है। तो मैं तुरंत अखरोट खा लूँगी, बादाम खा लूँगी, किशमिश, काजू, जो मुझे मिलता है मैं वो खा लेती हूँ। वो भी थोड़ा सा कट-कट होता है तो मुझे अच्छा लगता है, स्पेशली बादाम थोड़ा सा हार्ड होता है ना, तो जितना हार्ड ड्राई फ्रूट होता है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं वो खा लेती हूँ। 400-500 रुपया इसमें खर्च करने से अच्छा तो मैं ड्राई फ्रूट में कर रही हूँ खर्च। तो अब भले ये मुझे थोड़ा बहुत लगे तो लगे, क्योंकि अब मैं कोई भी फालतू चीज़ नहीं खा रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं अगर एक तरफ से क्ले खा रही हूँ और साथ में ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ तो मुझे कुछ भी असर नहीं करेगा। आज भी सारी मिट्टी मेरे पास रखे और अभी भी पता नहीं कैसा ऐसा लगता है कि वो न जाने हमारे लिए इतनी कीमती चीज़ है कि फेंका ही नहीं जा रहा उसको। उसको बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उसको फेंकूँ, फेंक ही नहीं पा रही हूँ। रखा है, स्टोर रूम में पड़ा है अभी भी। जो आप लोग को मैंने वीडियो बनाया था, वो पानी डाल के दिखाया, वो प्लेट अभी भी वैसी ही रखी हुई है। पर फिर मुझे किसी ने बोला कि दी, आप अगर फेंक दोगी ना तो ज़्यादा क्रेविंग होगी, वो आपके सामने रहेगा, आप देखती रहोगी तो आपको ये तो रहेगा कि हाँ मेरे पास है करके, तो कम क्रेविंग होगी। तो मैंने कहा शायद इनकी बात में दम है, तो मैं अब उसको रखी हूँ, देखती हूँ, पर खाती नहीं हूँ। एक दिन मैंने खा लिया था, एक ऐसी क्रंचर का वीडियो देखा था, मैंने खा लिया, मुझे याद आ गया, ओ भाई मुझे ऑटोइम्यून डिजीज़ है, मुझे स्किन की प्रॉब्लम है, मेरे अंदर पानी की कमी है, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है, मुझे सारी चीज़ें एकदम से याद आना स्टार्ट हो गई। तो मैंने पता है उसको मुँह में ही खाया, ऐसे एकदम गले को एकदम चौक कर लिया कि ज़रा सा भी अंदर ना जाए, और पूरा उसका मुँह में करके उसको थूक दी और फिर कुल्ला कर ली, और जो दांतों में फंसा था उसको भी निकाल लिया कि कुछ भी अंदर ना जाए, ज़रा भी अंदर ना जाए। तो ये चीज़ मैंने किया था। तो जो यहाँ पे हेट कमेंट को भी मैं नहीं डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि उनका हक बनता है, जो उन सब हमें अच्छा अच्छा तो नहीं बोलेंगे ना, हर तरह के लोग हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, तो हर एक आदमी अपना अपना राय देगा, तो मैं उनकी राय भी सुन रही हूँ, देख रही हूँ। पर वो एकदम ज़्यादा ही बकवास कर लेते हैं ना, तू तड़ाक और ये और वो, तो ये मेरे को बता दे, मैं अनएजुकेटेड हूँ, ये वो खुद अनएजुकेटेड है और वो दिख रहा है, मतलब वो लोग अपने गुस्से पे, एंगर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और बुरे लैंग्वेज पे उतर गए हैं। और रहो आप लोग, मैं आपके कमेंट भी रखे हूँ, आप लोग की आईडी भी दिख रही है, फेक आईडी है वो मुझे मालूम है, एक रूपा अंजलि है, रूपा अंजलि कौन है आई डोंट नो, वो अंजलि ही है। खैर, उन्होंने आके यहाँ पे बहुत सारी बकवास करी है, करते रहो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, एंजॉय करती हूँ, मज़ा आता है। ऐसी कमेंट करते रहना आप लोग, सारा अच्छा अच्छा रहता है ना, तो मज़ा नहीं आता, थोड़ा बहुत तो टेंशन दिमाग में होना चाहिए ना, जब तक हमें टेंशन नहीं होगी ना, जब तक इंसान हार्डवर्क भी नहीं करता है, तो जितना टेंशन होगा उतना ज़्यादा आप हार्डवर्क भी करोगे। मैं ये बात इस चैनल से रिलेटेड नहीं बोल रही, ये हमेशा से बोलती थी कि यार कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन होना चाहिए, टेंशन होता है तो हम लोग बहुत मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ कि आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहो, अच्छे वाले अच्छे करें, बुरे वाले बुरे करें, सबके कमेंट यहीं चमकते रहेंगे, किसी के रिमूव नहीं होंगे, ये आप लोगों की संस्कार दिखाएगा यहाँ पे। बाय बाय, टेक केयर।